ई श्रम कार्ड को लेकर काफी बड़ी बड़ी अपडेशन आ रही हैं। गवर्नमेंट ई श्रम कार्ड को काफी बड़ी बड़ी योजनाओं से जोड़ रही है, जिसका फायदा सभी ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जाएगा। अभी ई श्रम कार्ड को लेकर काफी बड़ी अपडेट आई है। ई श्रम कार्ड को दो बड़ी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसमे की पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमे एक गरीब परिवार को जो भी ई श्रम कार्ड धारक है उसको अपना मकान पक्का कराने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1,30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और दूसरी योजना की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना से भी ई श्रम कार्ड को जोड़ा गया है। एक गरीब परिवार के व्यक्ति या जो भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनको एक साल में 5,00,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। वो एक साल में किसी भी हॉस्पिटल से अपना 5,00,000 रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। तो गाइज, वेलकम बैक टू इन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस और आज की वीडियो में हम ई श्रम कार्ड से जोड़ी गई दो बड़ी योजनाओं को डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड से जोड़ी गई योजनाओं की डिटेल जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर अपना ई श्रम कार्ड बनाने से लेकर उसको डिलीट करने तक का पूरा प्रोसेस इस पोर्टल से कर सकते हैं। योजनाओं के बारे में जानने से पहले आपको इस पोर्टल को हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। आपको यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा हिंदी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब योजनाओं की डिटेल जानने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा योजनाएं, आप इस पर कर्सर लेकर आएंगे। आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर उन सभी योजनाओं की डिटेल चेक कर सकते हैं जो भी ई श्रम कार्ड से जोड़ी गई है। आपको यहाँ पर काफी सारी योजनाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। आप स्क्रॉल अप करेंगे, आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण, यानी कि जो व्यक्ति या परिवार गांव में रहता है वो ही यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको यहाँ पर पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सी जरूरत होगी प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो भी व्यक्ति या फिर परिवार है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य ना हो, और कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है वह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र है। यानी कि ऐसा परिवार जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, यानी कि जो लेबर कैटेगरी में आते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में इसके लाभ देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी मैदानी क्षेत्र में रहने वाले परिवार हैं उनको यहाँ पर 1,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी, और जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको यहाँ पर 1,30,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये काफी अच्छा कदम है। जो भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको इस स्कीम से काफी फायदा होने वाला है। किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ई श्रम कार्ड बना होना जरूरी है। ई श्रम कार्ड के साथ कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर अटैच किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी योजना की। आप यहां पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देखने के लिए मिल जाएगी। इस योजना में अप्लाई के बाद एक परिवार को एक साल में 5,00,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। वो एक साल में 5,00,000 रुपए तक का अपना इलाज किसी भी हॉस्पिटल से मुफ्त में करा सकता है। यहाँ पर आप पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर कोई वयस्क पुरुष कमाऊ सदस्य ना हो, यानी कि जिसमें कोई 16 से 59 साल तक के बीच कोई अर्निंग पर्सन ना हो, या फिर कच्ची दीवार और छत वाले कमरे में रहने वाले परिवार इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य ना हो। इसके बाद यहाँ पर एक परिवार जिसमें कोई स्वास्थ्य वयस्क सदस्य ना हो और एक विकलांग सदस्य हो, यानी कि किसी के परिवार में अगर कोई डिसेबल पर्सन है या फिर कोई एडल्ट नहीं है देखभाल करने वाला, वो भी यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मैला ढोने वाले परिवार और भूमिहीन परिवार जो अपनी परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा
शारीरिक श्रम से कमाते हैं, यानी कि लेबर कैटेगरी वाले लोग जो दिहाड़ी मजदूरी का वर्क करते हैं, वो भी यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आप इसके लाभ देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है मृतक और चिकित्सक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह वो किसी भी अस्पताल में अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का 5,00,000 रुपए तक का इलाज फ्री में करा सकता है। तो गाइज, इस तरह से ई श्रम कार्ड को काफी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और काफी योजनाओं से जोड़ा गया है। हमने जो अभी दो बड़ी योजनाएं देखी हैं, उनको अप्लाई करने के लिए अभी कोई लिंक जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोई लिंक जारी कर दिया जाता है तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके प्रोसेस पर भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। लिंक जारी होने के बाद आप यहां पर अपने ई श्रम कार्ड की हेल्प से सरकारी योजनाओं यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये दो बड़ी योजनाएं थी जो ई श्रम कार्ड से जोड़ी गई हैं और आने वाले समय में इनको अप्लाई करने के लिए लिंक भी जारी कर दिया जाएगा। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।